नंबर 14 देखते हैं, कह रहा है कि 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है ना, यानी कि यहाँ पे कुल संभावित परिणाम कितने हैं, 52 है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, चलिए तो यहाँ लिख सकते हैं कुल संभावित परिणाम कितने हैं आपके, तो कुल संभावित परिणाम 12 है। तो आपको फॉर्मूला बताया है किसी घटना ई की प्रायिकता क्या होती है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या यानी घटनाओं की संख्या ऐसे भी लिख सकते हैं, और बटा में कुल संभावित परिणाम। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन इसका कह रहा है कि लाल रंग का बादशाह, हमें प्रायिकता निकालनी है किसका, लाल रंग का बादशाह। देखिए इस तरह के प्रायिकता निकालने के लिए आपको जो समझाए थे ना शुरू में, है ना, कौन से पत्तों की संख्या कितनी होती है, वो चीजें याद होनी चाहिए। तो लाल रंग की बादशाह की बात करें तो देखिए लाल रंग में दो तरह के पत्ते होते हैं, ठीक है। एक तो होता है डायमंड, है ना, जिसे हम लोग ईंट बोलते हैं, है ना, और दूसरा होता है लाल पान, ठीक है। दो तरह के होते हैं, तो दोनों में एक एक बादशाह होगा, एक एक बादशाह होगा ना। चलिए तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा प्रायिकता, तो इसका प्रायिकता हम लोग लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 2/52, क्योंकि आपको पता है लाल रंग के बादशाह की बात करें तो लाल रंग दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, तो एक होता है आपका ईंट और दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है आपका लाल पान। तो दोनों में एक एक बादशाह होगा ना, यानी कि दो बादशाह हुए तो 2/52 यानी कि 1/26 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। चलिए दूसरा कह रहा है एक फेस कार्ड यानी कि तस्वीर वाला पट्टा, चलिए उसकी प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता में किसके निकालनी है, तो एक फेस कार्ड होने की प्रायिकता। तो एक फेस कार्ड की बात करें तो चेहरे वाले कुल कितने पत्ते होते हैं, तो चेहरे वाले कुल आपको 12 पत्ते बताए थे ना, कौन कौन से चेहरे वाले पत्ता होता है, तो होता है बादशाह होता है, गुलाम होता है, और कौन होता है, बेगम होता है, यानी कि वो चार चार होते हैं, ठीक है। तो यानी कि 12 टोटल फेस कार्ड होता है, चेहरे वाला पत्ता 12 होता है, यानी कि 12/52, तो इसको काट सकते हैं चार से, चार तिया है ना 12, और यहाँ पे 13 चौका 52 यानी कि 3/13 इसकी प्रायिकता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरे में कह रहा है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो देखिए दो तरह के रंग होते हैं लाल और काले, तो आधा तस्वीर वाला पत्ता हो जाएगा लाल, यानी कि टोटल 12 होता है ना तस्वीर वाला पत्ता, तो ये लाल रंग का कितना हो जाएगा 6 और काले रंग का 6, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं प्रायिकता किसकी, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता कितना हो जाएगा, तो 6/52, तो इसको काट सकते हैं ना, 2 से 2 3 6 और 26 2 52 यानी कि 3/26 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। फिर कह रहा है पान का गुलाम, तो पान के गुलाम की बात करें तो पान का गुलाम, देखिए पान दो तरह के होते हैं, एक लाल पान और एक काला पान, दोनों होता है ना, और दोनों में एक एक गुलाम होगा, यानी कि इसकी प्रायिकता लिख सकते हैं पान के गुलाम की, आपका 4 नंबर है ना, प्रायिकता हम लिख सकते हैं पान का गुलाम, कह रहा ना, ये नहीं कह रहा कि किस पान का, लाल पान या काला पान, ये कुछ नहीं कह रहा है, तो पान का सिर्फ गुलाम पूछ रहा है, तो पान के गुलाम की बात कर रहा है, तो एक लाल पान में गुलाम हो जाएगा, एक काला पान में हो जाएगा, यानी 2/52 यानी कि 1/26 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें का 5 देखते हैं, 5 देखिए थोड़ा ऊपर, हुकुम का पत्ता, तो हुकुम कितने होते हैं, 13 होते हैं ना, स्पेड को कहा जाता है हुकुम, चलिए हुकुम का पत्ता हो जाएगा आपका कितना, 13/52, तो 13 के टेबल से 4 बार में कट जाएगा, यानी 1/4 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अगला है एक ईंट का बेगम, तो ईंट की बेगम तो सिर्फ एक ही होगी, चलिए तो ईंट का बेगम की प्रायिकता पूछ रहा है, 6 नंबर प्रायिकता में ईंट का बेगम, तो ईंट का बेगम एक ही होगा, तो 1/52 इसकी प्रायिकता हो जाएगी, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर